ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी बाबा जानी, अच्छा 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 ठीक है बाबा, कब आ रही है? अच्छा बाबा ठीक है, बाबा जानी ठीक है अल्लाह। अब कौन आ रहा है? अरे वो हमारी अम्मा की एक कजन है बाबा, वो आ रही है। पता है उनसे ज्यादा खूबसूरत पूरे गांव में कोई खातून नहीं थी। अच्छा, फिर तो मिलना पड़ेगा उनसे। हाँ बाबा, और उनके साथ ना बाबा जानी भी आ रहे हैं। लो कर लो बात। बाबा क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आता बच्चू, तुम्हारे बाबा जानी और मेरे पापा यही क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? आपके पापा को तो नहीं पता, लेकिन मेरे बाबा जानी गांव में रहना चाहते हैं। तो फिर हर हफ्ते यहाँ क्यों आ जाते हैं? बाबा हमसे मिलने और क्यों? हम अमेरिका में नहीं रहते, महीने में एक दफा समझ में आता है। अच्छा बाबा अब तो आ रहे हैं ना, उनके सामने अपना मूड सही रखना। ठीक है। और हाँ, वो रजो खाला के सामने। हाँ हाँ ठीक है। मैं जानी को बुलाऊं, पता नहीं किधर आवाजें दे दे के गला बैठ गया है। तुम्हें क्या काम है उससे? हाँ हाँ मैं सर अब क्या करें सर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, थोड़े से रेट बढ़े। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, आप बहुत तेज आदमी है, आप यकीनन कोई ना कोई काम कर लेंगे आगे। हाँ ठीक, छः का हाँ वो शरियार के आते पहुँचा रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा ठीक है भैया पहुँचाता हूँ। ठीक है ओके, शाम तक ओके। तो भैया छः कार्टन तो ये पहुँच गया, लेकिन क्या मुसीबत है, एक तो हर हफ्ते कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, काम हमें करना पड़ जाता है, अजीब मुसीबत है। अरे सारा घर गंदा लगा हुआ है जानी, तुम्हें पता है जानी कौन आ रहा है? हाँ अजाब आ रहा है। अरे अजाब नहीं आ रहा, मेरी खाला आ रही है, मेरी रज्जो खाला। ये क्या भला है? अरे भला नहीं है बाबा, हूर है हूर। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता है जमानी में वो इतनी खूबसूरत थी, जब निकलती थी तो सब लोग उसको देखते रहते थे, गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो। अच्छा तो इसका मतलब है शम्मा के साथ परवाना भी आएगा? हाँ? परवाना मतलब? नहीं कुछ नहीं, काम करने दो। अच्छा जानी एक बात सुनो, तुम घर को अच्छे तरीके से चमका दो, बिल्कुल अच्छा सा। क्यों क्या घर खरीदने आ रही है क्या? अरे नहीं बाबा, वो हमारी मेहमान है ना। तो फिर घर को क्यों चमकाना? अरे भला जब घर में मेहमान आएंगे तो भला क्या घर की सफाई नहीं होगी क्या? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा भला हर वक्त गुस्से में नहीं रहा करो जानी, थोड़ा सा प्यार से भी बात कर लिया करो जानी। ऐसा करो कि अच्छा सा खाना भी तैयार करना और मेरे लिए डाइटिंग वाला खाना भी तैयार करना, मैं अभी आती हूँ। जल्दी से आ। बताओ खाला का नाम है रज्जो, रज्जो अपनी तरह की होगी इसकी। खाला रज्जो बताओ यार, बहुत ही गंदा किया, सालों से साफ नहीं किया। रज्जो काला कैसी हो? अरे अभी खाला नहीं कहो मेरे को। अरे बाबा आप खाला हैं तो खाला ही कहेंगे ना। वैसे आप इनकी खाला ही है ना? हाँ बेटा हूँ तो मैं खाला इसकी, मगर अब ये नाम और नाम के साथ खाला अच्छा नहीं लगता मेरे को। अरे तो आपको फिर क्या बोले? आंटी। वाह रे वाह, बड़ा समझदार नौकर रखा हुआ है। ये नौकर भी और मेरा मैनेजर भी, बहुत खूब भाई बहुत खूब। अच्छा खाला ये आंटी ये बताएं कि आप किस काम से आई? भाई मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ आज। भला क्या काम है बताओ? अरे बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है, सांस तो ले लूं पहले। खाला आप बैठे ना। जानी जाओ पानी लेके आओ जल्दी से। मैं तो डाइटिंग कर रही फिर भी पतली नहीं होती। डाइटिंग कर रही है बाबा, लेकिन खाती 6 रोटियां हैं। अरे बाबा जाओ देखो कौन आया है। जानी क्या आते का भला कुछ बना होगा तो बंदा क्या पतला हो सकता है, मोटे ही होगा ना। आया 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 बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम मौला, कैसे हो तुम? अरे बाबा तेरे को देखने के बाद तो हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। अरे बुढ़े हो गए हो अभी तुम पहले से। लेकिन बाबा तुम तो वैसी की वैसी दिख रही हो माशाल्लाह। अच्छा अभी झूठ ना बोलो,
उम्र में फर्क आ गया है वक्त के साथ साथ। मेरी नजर से देखो तो बाबा तुझ पे तो कोई फर्क आया ही नहीं है ना। नजरों पे मिट्टी डाले, खाना तैयार है, आए खाना खाने चलते हैं। आंटी आए बाबा, खाना खा ले। अच्छा आओ, आ जाइए, मैं आपके साथ बैठूंगी। आ जाओ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। रजो बाबा, वो तुम कह रही थी कि तुमको मेरे साथ कोई जरूरी काम बोलना है। हाँ, मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ पाकिस्तान। अच्छा, भाई ऐसा क्या काम आ गया? वो कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। अरे बताओ, वो हमसे क्या छुपाना? वो मैं ना यहाँ शादी करने आई हूँ। अच्छा, और ये समझ लें कि आपके बिना ना ये काम मुमकिन नहीं है। वो क्यों बाबा? वो ना, मुझे शर्म आ रही है। लगता है कि बरसों की उम्मीद पूरी होने वाली है। अब ये कौन आ गया इस वक्त कम वक्त? हाँ तुम बोलो, क्या बोलने वाली थी? कुछ बोल रही थी तुम आगे? वो मैं कह रही थी कि ओहो, अच्छा ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ क्या कह रही थी तुम? अब वो बात ये कि तुम जो है ना मेरे लिए ना कोई, अरे जानी बाबा बाहर देखो दरवाजे पड़े, कौन आया हुआ है? क्या कह रही थी? अरे मेरे को काम याद आ गया मौला दाद, मैं अभी आई। अरे अरे बाबा, किधर है सारे? बड़ी खामोशी है, किधर है? अरे साई, अरे करमू कैसे हो? अरे रजो, तुम कितना बदल गई हो। क्या मतलब बदल गई हूँ? मेरा मतलब है कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। बाकी सब किधर है? खैर है, सब ठीक ठाक है? अरे चाचा हम सब ठीक है, आप सुनाए। आज भला कितना अच्छा दिन है ना कि आज चाचा भी और बाबा साहब भी आए। अच्छा, भाई साहब भी आए, किधर है? अरे करमू बाबा, क्या हाल है? खैर तो है? देख ले भाईजान, आपने तो बताया नहीं। हाँ। मैं खुद आ गया। अच्छा अच्छा, भला आपको किसने बताया? मुझको, और कौन बताएगा? रज्जो ने। अच्छा बाबा, आंटी आप हमें ये तो बता दें, आप आई किस काम से हैं? मुझे ना शर्म आ रही है, मैं यहाँ ना शादी करने आई। अरे सच्ची? बाबा ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे हाँ बाबा, हमको भी बताओ ना भला आप किससे शादी कर रही हो। हमें भी तो पता चले ना आंटी। वो मैं ना बाद में बताऊंगी, सरप्राइज है। वाह सही वाह, अब मैं समझा कि हमको बुलाया है क्यों है। अच्छा, मुझको भी इसलिए बुलाया है? अरे बाबा, अगर ये रज्जो मान जाए तो बस मस्त बन जाए। भाई जानू, बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने का। अच्छा भाई, मैंने तेरे बारे में बात थोड़े सोचा है, मैंने तो अपने बारे में सोचा है यार। भाईजान ये गलत बात है। इसमें क्या गलत वाली बात हो गई भाई? मेरे को दिल नहीं है क्या? भाईजान आपकी शादी हो चुकी है और मैं अभी कुंवारा हूँ। अरे बाबा, रंडवा हुए भी तो सालों गुजर गए, अरे कुछ तो सोचो मेरे बारे में भी तुम लोग। देखिए भाईजान, बात को ना बढ़ाएं, मैं कहता हूँ कि आप ना रास्ते से हट जाएं। अरे ऐसे कैसे निकल जाएं? बचपन में भी रज्जू तेरी वजह से मेरे हाथ से निकल गई थी। मेरी वजह से? वो कैसे? और जब भी मैं बात करता था तू आ जाता था। बाबा रज्जू हमेशा से मेरी है और मेरी रहेगी। देखो अब तू चाह रहा है कि घर में तमाशा हो। तमाशा तो आप बना रहे हैं, एक शादी करके दिल नहीं भरा, जो दूसरे के चक्कर में पड़ गए हो। हाँ तो दूसरी शादी करूंगा, तीसरी शादी करूंगा, और करूंगा भी रज्जो से। रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। हाँ हाँ रोकूंगा, रोक के दिखाऊंगा, और देख लेना शादी होगी तो मेरी होगी। वो किसी और से होगी? अरे बाबा वो वक्त बताएगा। हाँ हाँ देखते हैं, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। इतना बुरा वक्त भी नहीं आया हमारा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वैसे शादी का फैसला इतनी देर से क्यों किया है? बस जब सही वक्त लगा ना तो फैसला कर लिया। तुम भी तो कवारे हो, तुम्हें ख्याल नहीं आया क्या अभी तक? आता तो था, बस कोई था ही नहीं, लेकिन
अब क्या बताओ? इसे पूछती है जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या पता होगा, तुमने कुछ कहा ही नहीं है। अरे बाबा, वही तो कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना, सुन रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुमको आज खाना अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची मुच्ची, वो भी कसम से दिल से बना के खिलाऊंगा। मुझे मालूम है तुम मेरे लिए जो भी करोगे ना वो दिल से करोगे। बस बाबा अभी तुम देख लो। हाँ खाना बनाएगा बना खाना बाबा, मैं भी देखूंगा कैसे खाना बना के खिलाता है। वाह भाई वाह, चाचा ने खाना आज अच्छा बनाया है। चाचा साहब मेरे को पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना बनाते हो। चाचा आप ना हफ्ते में एक बार यहाँ के खाना जरूर बना दिया करें। जरूर आऊंगा अगर रज्जो होगी तो। भाई मजाक नहीं करी, खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया। पापा साहब आपको भला कैसा लगा? बस ठीक है बाबा, बस मैंने अभी चखा है। दाल चावल तो रह गए, ये ट्राई नहीं किया आपने? कर कर खाओ ना तुम, क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा दाल चावल, मैं नहीं खा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बाबा। क्या हुआ? अरे बाबा सही सब ठीक तो है ना, जलन हो रही है। जलन? जलन? कैसे जलन? सीने में, सीने में। अरे ऐसी की तैसी जलन की, मैं अपने हाथ से मोले को खाना खिलाऊंगी, ये लो। अरे अरे बाबा इसको क्या हुआ, ये क्यों चला गया? अरे छोड़ो खाना खाओ। सही कह रहे थे बाबा, इनकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है। लो खाओ भला, अपन को तो भूख लगी है ना। खाओ बाबा। वाह बाबा मसाला कैसा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब कैसी तबीयत है? तबीयत? अरे बाबा मैं तो फिट पाट हूँ। अच्छा मुझे ना शॉपिंग पर जाना था। हाँ तो चले ना, मैं आपको लेके चलता हूँ। नहीं ना, मैं किसी को ना तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे बाबा इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, आप हुक्म करें मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं चाहती थी कि अकेले जाके शॉपिंग करूं, मगर गाड़ी चलाना नहीं आती ना मुझे। हाँ तो हम आपको गाड़ी सिखा देते हैं ना भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, गाड़ी आपको सिखा देते हैं हम, चलें। वाकई आप सिखा दोगे? हाँ चलते हैं। चलें? हाँ एक मिनट एक मिनट। अरे कर्मू, ओ बाबा कर्मू। अरे बाबा किधर गया? आ गया ना। हाँ क्या बात है, हमको क्यों आवाज दिए? इनको जो है ना वो गाड़ी सीखनी है, गाड़ी की चाबी दो। तो जाओ, मुझको क्यों बता रहे हो, मैं क्या जलता हूँ क्या? अरे बाबा जलो या मरो, मुझे आप चाबी दे दो, फेंको चाबी। हाँ ठीक है चले मैडम। मैडम? अरे बाबा आप तो हमारे लिए मैडम है ना। चले मैडम। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आजा आजा। अब ऐसा है कि पहले मैं गाड़ी चला के देखूं कि गाड़ी आपके सिखाने के काबिल है भी या नहीं है। मेरी इतनी फिक्र है तुमको? अरे बाबा तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो कि मैं अपनी फिक्र करूंगा। आ जाओ बैठो इधर से, बैठो बैठो। आ जाओ बाबा आ जाओ आ जाओ। ठीक है अब देखो ये गाड़ी है। मैंने गाड़ी की ब्रेक ही निकाल दी है, अब देखना मोले दाद
तेरी कैसी बेइज्जती होती है। अरे करमदाद, घोड़ा रे घोड़ा, अरे गाड़ी तो मेरी है, अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो चलो सही, जो होना था वो तो हो गया है, गाड़ी की खैर है, इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। अरे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? कौन मैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस चेहरे से तो कोई फिक्र मत लग रहे हैं आप। वो बात क्या है कि वो भाईजान वाले बाजार गए ना, तो अभी तक आए नहीं, ये फिक्र हो रही है। किसकी? गाड़ी की। गाड़ी क्या मतलब? दोनों की, दोनों की फिक्र तो होती है ना, अभी तक आई नहीं है। मुझे लगता है आग है, आवाज आ रही। आग है, आग है। अरे अजीब गाड़ी है तुम्हारी यार, ब्रेक फेल हो गया, ये लो चाबी। वो तो शुक्र है कि हम लोग गाड़ी में नहीं थे। हैं? तो गाड़ी कहाँ है? अरे बाबा, मसला ये है कि हम जब शॉपिंग के लिए निकल के चले गए तो हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, वापस आए देखा तो गाड़ी जाके ट्रक के अंदर घुस गई थी। पूरी की पूरी गाड़ी तबाह हो गई बाबा, आई एम सॉरी करमू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे कह रहे, अरे क्या कह रहे, इस गाड़ी की वजह से मैडम को मैं जो शॉपिंग भी नहीं करा सका। चलो तुम हाथ मुंह धो, चलो बस रहने दो उसको, जाओ। ऐसी गाड़ी रखते हो, थर्ड क्लास टाइप की गाड़ियां रखते हो, इसे तुम्हारी भैंसे अच्छी है। गाड़ी ही। जो खैर है, क्या हुआ है? अब वो बताना ये था कि सुबह शादी है, तैयार रहना। अरे बात तो, सुबह शादी है, तैयार रहना। वाह सही वाह, सुबह शादी है। रज्जू, इस वक्त तुम खैर तो है? हाँ, बताना ये था कि सुबह शादी है, तैयार रहना। अरे बाबा, रात तुमको ऐसे अचानक क्या हो गया? सरप्राइज है, सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज है, वाह 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 भाई वाह वाह, सरप्राइज। अरे बाबा को, अरे खलाप, क्या बात है आंटी इस वक्त? बाबा सुबह जो है ना मेरी शादी है, तुम लोग तैयार रहना। हैं? ऐसे कैसे, कौन है? अरे बाबा अचानक क्या कैसे? अरे बाबा तुम लोगों को सुबह पता चल जाएगा ना सब, बस तुम तैयार रहो। अजीब सी बात है, हमारे घर में शादी है सुबह और हमें अब पता चल रहा है इस टाइम पे। सुबह देखेंगे बच्चे, चलो खैर करे पापा। अरे बाबा कोई है? अरे कोई है जो मेरे ये सहरे मुझ पे बांधे यार। भाईजान आप? अरे आप इस सिल में क्यों आए हो? ये आप ये क्या कर रहे हैं आप? ये भाई भाई भाई, ये मैं सहरे बांधूंगा, शादी का है दिन मेरा। क्या मतलब है आपके हाथ में ये क्या, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप दोनों भी शादी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है दोनों में से कोई एक। अच्छा अच्छा। अरे वाह बाबा वाह, बाबा सही और चाचा तो दूल्हा लग रहे, लग नहीं रहे, बने हुए हैं। मगर ये हो क्या रहा है, किसकी शादी है? शादी तो रज्जू मैडम की थी। भला किसी के साथ? बाबा बता तो दो, परेशानी हो गई है मेरे साथ। अरे बाबा दोनों से एक साथ, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसको गलत फहमी है, शादी मेरे साथ हो रही है बाबा। नहीं नहीं, शादी मेरे साथ हो रही है। अरे वैसे शादी चाचा साई की होनी चाहिए, अभी तक इनकी शादी हुई नहीं है। तो क्या बाबा जानी अकेले रहेंगे?
वैसे सीमा मैडम आप ठीक कह रही हैं। खाक ठीक कह रही हैं। अरे शादी तो बेचारे चाचे की होनी चाहिए ना। अरे ऐसे कैसे होगी, मैं देख लेता हूँ। बेफिक्र हो जाओ, शादी होगी तो मेरी होगी। मेरी होगी, मेरी होगी। अरे मेरी होगी बाबा, मैं कहता हूँ मेरी होगी। अरे मेरी शादी होगी, देख लेना। नहीं हो नहीं सकता, शादी मेरी होगी। अरे बाबा क्या हो रहा है, किस बात का शोर है? आज मेरी शादी है और तुम लोग लड़ रहे हो आपस में। इसी बात का तो शोर है कि आप किससे शादी करिए, करमदाद साहब से या मौलादाद साहब से? बाबा आप ही बता दें। हैं? तुम लोगों को किसने कहा था कि मैं इनमें से किसी एक से शादी कर रही हूँ? क्या मतलब, दोनों में से कोई भी नहीं? नहीं कोई भी नहीं है इनमें से। तो भला इन दोनों को फिर यहाँ क्यों बुलाया? अरे बाबा वो तो मैंने इन लोगों को यूं बुलाया था कि आज मेरी शादी है तो दस्तखत भी तो करने होंगे ना, तो ये दोनों तो मेरे भाई जैसे हैं। तालियां तालियां, वाह वाह। तू जो जमाल हो जा टंडे जा, ओ जमाल हो तू जो कटिया हो केला, ओ जमाल हो। भला ये तो बताओ कि अचानक से ये सारी चीजें खराब कैसे हो गई? मेरे ख्याल से पावर ज्यादा आ गई होगी। अरे बाबा पावर ज्यादा आया होगा इसका मतलब है बिल भी ज्यादा आएगा। तो आने दे, आपने कौन सा अपनी जेब से देना? मैं केदार है जी। आप सेठ साहब कोकाफ में? तुम जैन है? नहीं नहीं मैं तो जानी हूँ। मेरे को तो जैन नहीं लगता ना जी। बच्चू गजब हो गया, गजब। किसके घर? हमारे घर। अरे बाबा हमारे घर अजब नहीं होता तो भला गजब कैसे होगा? बच्चू पापा को करंट लग गया है। बेगम साहिबा ये कौन है? ये तुम्हारा पेटी भाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये यहाँ का नौकर है जानी। लेकिन ये तो कह रहे थे कि फिल्में बनाते हैं। तभी तो ये तुम्हारे साथ फिल्म कर रहा था। अंकल करंट कब मारते हैं? तुम हाथ लगा के चेक कर लो। अच्छा इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।